हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त किनेडी मनिया। आज की वीडियो में मैं दोस्तों आपके साथ कुछ अपडेट्स शेयर करूंगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स है। लाइक क्यूबिक से रिलेटेड हो गई, ट्रैवल से रिलेटेड हो गई, फ्लाइट टिकट, होटल क्वारंटीन, कैन 2 पर्सन स्टे इन वन रूम और नॉट। सो इस तरह की सारी अपडेट्स मैं इसी वीडियो में शेयर करूंगा। सो दोस्तों, ये वीडियो एंड तक देखिएगा। अगर आप अपनी PPR का वेट कर रहे हैं, मेन इनटेक का क्या होगा, सो इस तरह की अपडेट्स मैं आपके साथ सभी शेयर करूंगा। सो अगर आप भी इन सब के बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो एंड तक देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। सो दोस्तों, बिना देरी किए करते हैं वीडियो स्टार्ट। बट दोस्तों, उससे पहले मेरा कर लीजिए चैनल सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आपको उस वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम का अकाउंट आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। अगर आप मुझसे पर्सनली कोई हेल्प चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, DM कर दीजिए, या आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिए। इंस्टाग्राम पर मुझसे जो भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं बहुत हेल्प ले रहे हैं एंड उनकी प्रॉब्लम सोल्व हो रही है। सो अगर आप भी अपनी प्रॉब्लम ईजिली सोल्व करना चाहते हैं तो मुझे बिना देरी किए DM कर दीजिए। देन आई विल हेल्प यू। जितना पॉसिबल हुआ मैं आपकी हेल्प करूँगा आपकी प्रॉब्लम सोल्व करने में। सो अभी इंस्टाग्राम पर जाइए एंड मुझे फॉलो कर लीजिए। सो दोस्तों, करते हैं बिना देर किए वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले दोस्तों हम करेंगे क्यूबिक स्टूडेंट्स की बात, क्योंकि जो क्यूबिक स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ही डिसअपॉइंटेड है, क्योंकि अभी तक उनकी PPR स्टार्ट नहीं हुई है। एंड जो लास्ट के कुछ डेज हैं उसमें आपने नोटिस किया होगा कि जो PPRs हैं वो स्पीड बहुत ही स्लो हो गई हैं। जैसे पहले आ रही थी, जिस स्पीड से पहले आ रही थी, बट अब उस स्पीड से नहीं आ रही है। सो क्यूबिक के स्टूडेंट्स बहुत ही डिसअपॉइंटेड है कि अभी तक तो उन्हीं की PPR नहीं आ रही थी, बट अब तो PPR ही स्लो हो गई है। सो उनका क्या बनेगा, क्योंकि लास्ट वीक ये कहा जा रहा था कि अभी 1 वीक के बाद प्रोसेस फास्ट होने वाला है। और मैंने भी अपनी वीडियो में बोला था कि जो क्यूबिक के स्टूडेंट्स हैं उनका शायद वेट खत्म होने वाला है और PPR की स्पीड फिर से एक बार अपनी स्पीड पकड़ेगी। सो क्यूबिक के स्टूडेंट्स की भी PPR आनी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि हमें लास्ट वीक ही क्यूबिक की 2 PPRs देखने को मिली थी, 2 colleges की, जो कि कई स्टूडेंट्स को आई थी। सो बट रिजल्ट यही रहा कि PPR स्लो हो गई है एंड क्यूबिक स्टूडेंट्स अभी भी डिसअपॉइंटेड है। एंड उनके अंदर आप इजीली देख सकते हैं, जब भी कोई वीडियो अपलोड होती है क्यूबिक से रिलेटेड, सो उसके नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स यही होते हैं कि सर, हमारी क्यूबिक की फाइल है, इस डेट को लगी है, सो हमारा मेडिकल अपडेट हो गया है, बट हमारे पास PPR नहीं आ रही है, क्या रीज़न है। सो आप जितने भी वीडियोस देखेंगे क्यूबिक से रिलेटेड, सो उनका कमेंट सेक्शन इसी कमेंट से भरा हुआ है, इसी टाइप के कमेंट से भरा हुआ है कि हमारी PPR कब आएगी, सर हमारी PPR कब आएगी क्यूबिक की। एंड दोस्तों, आप जानते होंगे कि क्यूबिक के स्टूडेंट ने लास्ट वीक ही प्रोटेस्ट भी किया था, एक जो OA.student के नेम से एक इंस्टाग्राम पर अकाउंट है, वो उन्होंने अपनी प्रोटेस्ट की वीडियो वायरल की थी एंड शेयर की थी। चंडीगढ़ में इलांटे मॉल के पास विद सिक्योरिटी एक प्रोटेस्ट किया गया था, कई स्टूडेंट्स ने उसमें पार्ट लिया था। एंड वो प्रोटेस्ट का रिजल्ट तो अभी नहीं पता कि पॉजिटिव है या नेगेटिव, क्योंकि अभी तक PPR आनी स्टार्ट नहीं हुई है। बट दोस्तों, क्यूबिक के स्टूडेंट्स ने मिलकर अपने कई व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं एंड उस पर उन्होंने डिसीजन लिया है कि जो प्रोटेस्ट है वो 19 अप्रैल को एक बार फिर से प्रोटेस्ट करेंगे, ताकि क्यूबिक के स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिले और उनकी PPR स्टार्ट हो जाए। सो कनाडा गवर्नमेंट से वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमें भी, हमारी भी PPR स्टार्ट की जाए और हमें भी PPR दी जाए, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि बहुत से स्टूडेंट्स की अभी जनवरी में PPR आनी स्टार्ट हो गई थी। सो बहुत से स्टूडेंट्स की PPR आ गई है और वो बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो ट्रैवल कर रहे हैं। सो बट क्यूबेक की स्टूडेंट्स की अभी तक PPR आनी स्टार्ट नहीं हुई है। बीच में ये भी न्यूज़ आई थी कि कनाडा कॉलेज के स्टूडेंट्स की PPR आई है एंड उनके इंटरव्यूज़ हो रहे हैं। सो उसके बाद न्यूज़ आई थी कि सबके इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, कोई भी वो सिटी हो, सभी सिटी के कॉलेजेस के आपके इंटरव्यूज़ आ रहे हैं। एंड बीच में न्यूज़ आई थी कि सिर्फ कनाडा कॉलेज के स्टूडेंट्स को आ रहे हैं और कनाडा कॉलेज ने PPR भी दी थी। बट दोस्तों, अभी तक कुछ भी अच्छे से पता नहीं लगा है कि PPR क्यों नहीं आ रही है। कहीं बहुत से यूट्यूब चैनल हैं जिस पे अलग अलग रीज़न दिए जा रहे हैं कि COVID-19 के कारण आपकी PPR नहीं आ रही है। एंड कई अदर रीजंस दे रहे हैं कि क्यूबेक की फाइल्स बहुत ज़्यादा हैं, सो उनकी PPR बहुत ही स्लो आ रही है। सो बहुत से रीज़न हर तरह के यूट्यूबर्स दे रहे हैं, बट जो रीज़न एक्चुअल में है वो अभी तक किसी को नहीं पता है कि क्यूबेक स्टूडेंट्स की PPR क्यों नहीं आ रही है। सो दोस्तों, अगर आपकी PPR आ गई है तो ये नहीं है कि आप क्यूबिक स्टूडेंट का साथ ना दो। सो मैं यही बोल रहा हूँ कि अगर आपकी PPR आ गई है तो क्यूबिक स्टूडेंट का साथ दीजिए प्रोटेस्ट करने में। चंडीगढ़ में इलांटे मॉल के पास आपका 19 अप्रैल को, अगर आप प्रोटेस्ट में पार्ट लेना चाहते हैं तो 19 अप्रैल को आप इलांटे मॉल के पास पहुँचे विद क्यों। एंड 19 अप्रैल उनकी डेट सेलेक्ट की गई है जो सबके साथ शेयर कर रहे हैं वो। सो दोस्तों, मैं भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जो मेरी फैमिली के सब्सक्राइबर्स हैं सो इंडिया में हैं, आपने अभी ट्रैवल
नहीं किया है, तो अगर आपकी पीपीआर आ चुकी है तो ये नहीं आप उनका साथ नहीं देंगे। सो दोस्तों वो भी हमारे ही फ्रेंड्स हैं, वो भी हमारी तरह कनाडा ही आना चाहते हैं, तो आप भी उनका साथ दीजिए और उन्हें भी लगे कि हमारा साथ दे रहे हैं स्टूडेंट्स। क्योंकि जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स होंगे, जितने ज़्यादा प्रोटेस्ट स्टूडेंट करेंगे, उतना ही इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ेगा। सो कनाडा गवर्नमेंट शायद उसके बाद पीपीआर स्टार्ट कर दे क्यूबेक स्टूडेंट की, बट दोस्तों श्योरिटी नहीं है कि इसका रिजल्ट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। सो ये तो हमें जब प्रोटेस्ट हो जाएगा 19 अप्रैल के बाद ही उसका रिजल्ट पता लगेगा कि आप क्यूबेक स्टूडेंट को उस प्रोटेस्ट का क्या बेनिफिट हुआ है या बेनिफिट नहीं हुआ है। सो दोस्तों ये तो थी क्यूबेक स्टूडेंट्स की बात कि अगर आप उनका प्रोटेस्ट में साथ देंगे सो उनके लिए बहुत ही अच्छा होगा। सो चांसेस हैं कि उनका प्रोटेस्ट आपका सक्सेस की ओर जाए और उन्हें पीपीआर होनी आनी स्टार्ट हो जाए। सो इससे बढ़िया बात कोई नहीं है अगर उनकी भी पीपीआर स्टार्ट हो जाए, क्योंकि क्यूबेक के स्टूडेंट्स अभी तक बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं, स्ट्रेस में हैं कि हमने फाइल लगाए को बहुत टाइम हो गया है। किसी ने 2020 जैन में लगाई थी, किसी ने फेब में लगाई थी, सो अभी तक पीपीआर नहीं आई है। तो आप भी उनका साथ दें एंड उन्हें प्रोटेस्ट में हेल्प करें। मैं भी उनकी हेल्प कर रहा हूँ, मैं इंडिया में नहीं हूँ बट मैं उनकी हेल्प अपने वीडियो के थ्रू कर रहा हूँ कि मैं भी क्यूबेक स्टूडेंट को सपोर्ट करता हूँ कि उनकी पीपीआर जल्दी आनी स्टार्ट हो जाए। जैसा कि मैंने बोला कि वो भी हमारे जैसे ही हैं कि अपनी कनाडा आने के लिए वो भी वेट कर रहे हैं बहुत टाइम से, जैसा कि हम कर रहे थे। सो आप भी उनका साथ दीजिए। सो ये तो थी क्यूबेक स्टूडेंट के बारे में। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं पीपीआर की, मींस पासपोर्ट रिक्वेस्ट की। सो दोस्तों पासपोर्ट रिक्वेस्ट जिस स्पीड से पहले आ रही थी उस स्पीड से अब नहीं आ रही है। अब पीपीआर पासपोर्ट रिक्वेस्ट की जो स्पीड है बहुत ही स्लो हो गई है। उसका रीज़न हमें नहीं पता है कि उसकी स्पीड क्यों स्लो हो गई है। COVID-19 की रिस्ट्रिक्शंस के कारण भी हो सकता है कि उसकी स्पीड स्लो हो गई है, या लॉकडाउन का असर हो सकता है क्योंकि टोरंटो और ओंटारियो कई सिटीज़ में अभी लॉकडाउन कर दिया गया है। इसके कारण भी हो सकता है कि स्पीड स्लो हो गई है, या तीसरा ये रीज़न हो सकता है कि इंडिया में भी केस बहुत ही तेज़ी से इंक्रीज़ हो रहे हैं COVID-19 के। उन्होंने शायद पीपीआर की स्पीड स्लो कर दी है एंड कई रीज़न हो सकते हैं, बट किसी को नहीं पता कि पीपीआर की स्पीड स्लो क्यों कर दी गई है। स्टूडेंट्स बहुत ही परेशान है इससे कि जो हमारा अगर पीपीआर की स्पीड स्लो हो गई है सो मेन टेक वाले स्टूडेंट सोच रहे हैं कि हमारा मेन टेक पॉसिबल होगा या नहीं। कुछ स्टूडेंट्स की तो मेन टेक की पीपीआर पहले ही आ गई थी, जब वो जैन में फाइल्स लगा रहे थे, फैब में फाइल्स लगा रहे थे, उस टाइम बहुत ही पीपीआर अच्छे से आ रही थी। उन कई बच्चों को तो रिजल्ट मिल चुका है, लेकिन जो कई स्टूडेंट्स हैं उनको रिजल्ट नहीं मिला है, वो सोच रहे हैं कि हमारा मेन टेक पॉसिबल होगा या नहीं। दोस्तों इस पर मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, पीपीआर स्लो हो गई है बट आ तो रही है। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप अगर अपना मेन टेक बचाना चाहते हैं तो आप अपना कोर्स रजिस्टर कर लीजिए, ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दीजिए। पीपीआर बिल्कुल रुकी नहीं है, आ रही है। आप अपना कोर्स रजिस्टर करके अपनी क्लासेस स्टार्ट कर सकते हैं अगर आपको अपना मेन टेक बचाना है, वरना आप सितंबर इनटेक में रेफर कर सकते हैं। एंड अगर आप मेन टेक की ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करेंगे सबसे पहले आप अपने कॉलेज से बात कीजिए कि अगर हम रजिस्टर करते हैं कॉलेज में तो आपके कॉलेज की रिफंड पॉलिसी क्या है। बाई चांस भगवान ना करे अगर आपका रिफ्यूज़ल आता है तो उसके बाद कॉलेज आपकी फ़ीस कितनी रिफंड करेगा कितनी काटने के बाद। आप ये सारी डिस्कस करके अपने कॉलेज से मेल करके उन्हें पता कीजिए एंड उसके बाद ही कोई डिसीजन लीजिए। पीपीआर की स्पीड हो सकता है कि आने वाले टाइम में इंक्रीज़ हो जाए। क्यूबेक की पीपीआर अगर स्टार्ट होती है तो जो अदर सिटीज़ की पीपीआर है वो भी शायद इंक्रीज़ हो जाए आने वाले टाइम में। उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन अभी जो पीपीआर की स्पीड है बहुत ही स्लो है। बात करेंगे हम ट्रैवल के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि ट्रैवल से रिलेटेड एक ट्वीट किया गया है 2 डेज ago जो कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। उसमें पहले ही बोल दिया गया है स्टूडेंट्स को, क्योंकि कई स्टूडेंट्स अपना कोर्स स्टार्ट होने से पहले 30 डेज ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन कनाडा के अकॉर्डिंग रूल ये है कि जो आपका कोर्स है उससे आप 21 डेज पहले ही ट्रैवल कर सकते हैं, उससे पहले नहीं कर सकते। उससे पहले उन्होंने साफ बोल दिया है कि अगर आप 21 डेज से पहले अपना ट्रैवल करेंगे आपको डिपोर्ट करने के चांसेस बढ़ जाते हैं, आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। आपको यही एडवाइस है कि आप अपनी टिकट अपने कोर्स से 21 डेज पहले ही करवाएं, उस 21 डेज के पीरियड में ही आप ट्रैवल करें, जल्दी ट्रैवल मत करें जिससे कि आपके डिपोर्ट होने के चांसेस इंक्रीज़ हो। ऐसा कोई भी स्टेप ना लें जिससे आपको कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़े एयरपोर्ट पे। आप अपनी टिकट 21 डेज पहले ही कराएं अपने कोर्स से ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट बात करूंगा मैं अब फ्लाइट टिकट के प्राइस की। जैसा कि आप भी जानते होंगे सब कि फ्लाइट के टिकट के प्राइस बड़ी तेज़ी से इंक्रीज़ हो रहे हैं।
अभी तक जो लास्ट वीक लास्ट टू लास्ट वीक थे वो प्राइजेज अभी तक 70,000 और 80,000 पे थे, बट वही प्राइस अब आपके 1,20,000 से ऊपर हो गए हैं। सो दोस्तों अगर आप भी अपनी फ्लाइट की टिकट बुक कराना चाहते हैं थोड़ी वन मंथ के बाद की, सो आज ही कर लीजिए, क्योंकि वन मंथ के बाद की अभी आपको ठीक प्राइस पे मिल जाएगी। बट अगर आप सोचेंगे कि मैं 15 डेज के बाद करूँगा, सो उसके रेट इंक्रीज ही हो रहे हैं, क्योंकि इसका रीज़न भी यही हो सकता है कि लॉकडाउन हो गया है, या आप ये कह सकते हैं कि COVID-19 के केसेस इंक्रीज हो रहे हैं। सो दोस्तों आप भी अगर टिकट बुक करना चाहते हैं जल्दी से जल्दी कीजिए, क्योंकि अगर आप लेट करेंगे सो वो और इंक्रीज होते रहेंगे। सो यही अपडेट थी फ्लाइट के बारे में, एंड नेक्स्ट अपडेट हमारी होटल क्वारंटीन के बारे में है। सो होटल क्वारंटीन के बारे में भी अब अपडेट आ गई है, और वो श्योरिटी हो चुकी है कि क्योंकि जो दोस्तों मैंने अभी आपके साथ एक वीडियो शेयर की थी मेजर अपडेट ऑन 3-day quarantine, उसमें मैंने ये बोला था कि जो आप अपना होटल है वो शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड के साथ, अपनी फैमिली मेम्बर के साथ, एंड आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि कई होटल्स में वो वैलिड था, कई होटल्स में वो वैलिड नहीं था। सो होटल टू होटल डिपेंड कर रहा था कि होटल आपको अलाउ करता है फ्रेंड्स को, 2 फ्रेंड्स को या 3 फ्रेंड्स को एक रूम में रुकने के लिए या नहीं। बट दोस्तों अब फुली रूल चेंज हो चुका है, अब आप सिर्फ अगर आपका फैमिली मेम्बर है तो ही आप उसके साथ स्टे कर सकते हैं, एंड फ्रेंड्स सब स्टे नहीं कर पाएंगे, एक दूसरे के साथ शेयरिंग में रूम नहीं कर पाएंगे। सो सिंगल पर्सन ही अलाउड है, क्योंकि आज ही मैंने अपना 3 डेज का क्वारंटीन रूम चेंज किया है, एंड आते आते मैं अपने फेयरफील्ड होटल से भी पता करके आया हूँ। सो उन्होंने बोला है कि गवर्नमेंट ने अब रूल स्ट्रिक्ट कर दिए हैं, चेंज कर दिए हैं कि 1 person in 1 room अलाउड है ओनली। सो आप किसी के साथ शेयरिंग नहीं कर सकते, सिर्फ आप अपनी फैमिली मेंबर के साथ ही शेयर कर सकते हैं। सो मैंने उनसे ये भी पूछा था कि कज़न ब्रदर और कज़न सिस्टर के साथ कर सकते हैं, सो उन्होंने बोला यस आप कज़न ब्रदर और कज़न सिस्टर के साथ कर सकते हो, बट आप किसी फ्रेंड के साथ शेयर नहीं कर सकते। एंड सो दोस्तों यही थी होटल क्वारंटीन के बारे में अपडेट, कि आप 2% आप स्टे नहीं कर सकते 1 room में। सो आपके अगर आप 2% और 3% स्टे नहीं कर सकते, सो ऑटोमेटिकली आपका जो होटल क्वारंटीन का प्राइस है वो इंक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि जब आप 2% बुक कर रहे थे तो आपको $1,500 देने पड़ रहे थे, और आप 3% बुक कर रहे थे तो 2,000। सो वो आपके 2% में डिवाइड हो जाते थे अकॉर्डिंग टू 2%, और आपके 3% में डिवाइड हो जाते थे। बट दोस्तों सिंगल पर्सन के लिए अब आपको 1,000 से लेकर 1,200 के बीच में प्राइस पड़ेगा, जो कि बहुत ज़्यादा है एक स्टूडेंट के लिए। सो होटल के प्राइस भी और टिकट के प्राइस भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं, जिससे तो यही अपडेट थी अबाउट ट्रैवल और आपके होटल से रिलेटेड एंड आपकी टिकट को लेकर। सो दोस्तों यही मेन अपडेट्स थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस करनी थी आज की वीडियो में, एंड अगर आपका अभी भी इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है सो कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिए, या मुझे इंस्टा पर फॉलो कर लीजिए। पर्सनली मैं आपके क्वेश्चन का इंस्टा पर DM में आंसर करूंगा। अगर आप मेरी हेल्प चाहते हैं सो जल्दी से इंस्टाग्राम पर जाइए एंड फॉलो कर लीजिए। एंड दोस्तों आप जानते ही होंगे कि मैंने कई वीडियोस अपलोड कर दिए लैम्पटन कॉलेज का क्वारंटीन कैसे बुक कर सकते हैं, एंड आप अराइव कैन ऐप पे रजिस्टर कैसे कर सकते हैं, एंड आपका जो हेल्थ पोर्टल है जो COVID-19 टेस्ट के लिए आपको एयरपोर्ट पे जो COVID-19 टेस्ट होगा कनाडा के उसके लिए रजिस्टर किस पोर्टल पे करना है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप दे रखी है, उसके ऊपर मैंने वीडियो डाल रखी है, आप चेक कर सकते हैं। सो अगर आप वहीं से कर आएंगे सो आपका टाइम बहुत ही बचेगा, सो वो वीडियो भी आप चेक कर लीजिएगा। एंड फेयरफील्ड होटल में स्टे किया था, सो मैंने वहाँ के फूड रिव्यू एंड वहाँ का रूम टूर सब कुछ डाल रखा है, सो आप चेक कर सकते हैं मेरे चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर। सो दोस्तों आप सभी वीडियोस चेक कर लीजिएगा, एंड लाइक करना मत भूलिएगा, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी हेल्प मिले। सो दोस्तों यही थी आज की वीडियो, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।